Hello, welcome to another vlog. Today I have something new, something special, something funny, something irritating, something disturbing, something loving. आप लोगों ने जैसे कि हमारे बहुत से vlogs ऐसे पसंद किए हैं जिसमें मैं कमल को irritate कर रहा होता हूँ, जिसमें मैं कमल को disturb कर रहा होता हूँ, जिसमें मैं कमल को ignore कर रहा होता हूँ. और आज भी कुछ ऐसा ही काम होने जा रहा है जिसके मतलब कि लड़कियां बहुत ज्यादा पोजेसिव होती हैं, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सेल होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती हैं कि एक दूसरे की जान ले लेंगी. जान से याद आया कि यार आजकल हमारी जान ना ये डॉक्टरों ने भी बहुत खाई हुई है यार. बताता हूँ, डॉक्टरों ने जान इस तरह से खाई हुई है कि कमल की मामा मतलब मेरी मदर इन लॉ जिनका कि रमजान में ऑपरेशन करवाया था, डॉक्टर कह रहे थे कि भाई एक दिन के बाद ये चलेंगी फिरेंगी भागेंगी, लेकिन लास्ट 10 डेज से वो बेचारी चारपाई से ही नहीं उठ पा रही. तब अपने पैसे बनाने के चक्कर में कह दिया कि नहीं एक दिन में दौड़ेंगी भागेंगी, लेकिन वो लास्ट 10 डेज से चारपाई से नहीं उठ पा रही और लास्ट 2 डेज से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट है जस्ट बिकॉज गलत बयानी की वजह से. हाँ लेकिन सारे डॉक्टर गलत बयानी नहीं करते, बहुत से डॉक्टर अच्छे भी होते हैं यार. ओके खैर नाउ द थिंग इज अभी थोड़ी देर तक जाने लगे हैं हम लोग मॉल एक काम के लिए, तो वहाँ पे मैं देखूंगा दूसरी लड़कियों को वो भी अपनी बीवी के सामने. अब देखते हैं कि कमल का रिएक्शन क्या होता है. ये क्या गंगू भाई बन के बैठी हुई हो? वैसे ही क्या तबीयत सेट नहीं तो तुम ऐसे बैठोगी मतलब गाड़ी में, वो भी गाड़ी की सीट पे फ्रंट सीट पर ब्लैक पेपर लगा हुआ है, कौन सा नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा, अब तो हजारों लोग तुम्हें देख रहे हैं ना. कभी भी कैमरा खोल लेते हो तुम्हारा पता चलता है. कोई देखे ना देखे सुलकर नैन का कैमरा तो देखेगा. हाँ अभी कुछ घर की जरूरत की चीजें लेनी थी तो हम लोग आए हैं मॉल में. ए, घर तो नहीं भूला है यार. कवल मेरा वॉलेट लगता है घर ही भूल आया हूँ. कहाँ रह जाते हो यार? वो वॉलेट भूल आया हूँ घर पे. स्यापा अपने आप को भी भूल आया करो, हमेशा अच्छी चीजें भूल के आना करना. वो क्या हो गया? कार्ड है मेरे पास, पहले बताना था. चलो देखा भाई, अगर यहाँ पे कहता ना कि कार्ड भी घर भूल आया हूँ तो इसकी कड़वाहट में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाना था. जब मैंने कहा ना कार्ड है, फिर इसने कहा अच्छा 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 आज यहाँ. ओए होए आज तो मॉल में बड़ी रौनक लगी हुई है यार. सेल तो नहीं लगी हुई दिमाग? सेल नहीं लगी हुई, चेक करो ना कितना हुसन आया हुआ है. सदके माशाल्लाह कुर्बान जाऊं, क्या बात है. किधर वो शर्ट देख रहा हूँ वो वाली. कौन सी लड़कियों की शर्ट पे कौन सदके माशाल्लाह कहते हैं? क्या हो गया यार, खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए. आंखें बंद शर्म करो बीवी के साथ तुम्हारे. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. तुम्हारे घर जाके फोड़ूंगी मैं करम, टेंशन ना करो. क्या घर जाके करम फोड़ोगी? हेलो बात करो ना. बाँ. तो ये ले कौन रहा है तुम्हारे लिए? किसके लिए ले रहे हो? और बहुत से है. की मतलब ये बहन नहीं है मेरी यार, उसके वो लिए भी ले सकते हैं. कोई मसला नहीं, देखते हैं. सारा दिन यहाँ ही लगाना है, चलाओ किसी और जगह भी चलते हैं यार. क्यों किसी और जगह लड़कियों को देखने? और नहीं यार वैसे ही कह रहा हूँ कुछ और शॉपिंग हो जाएगी. हेलो अच्छी लग रही है ये? बहुत अच्छी लग रही है. नहीं यार मुझे नहीं अच्छी लग रही, काश कोई ऐसी ऐनक होती कि बंदा ना डूब के मर जाता. डूब के मर जाता? डूबने के लिए दूसरी ऐनक होती है वैसे. कोई और चेक करिए. कमल मैडम तो चप्पलें देखती फिर रही है, अल्लाह खैर ही करे. पूछता हूँ जाके कि क्या मसला है. हेलो हाँ जी खैर है? चप्पलें लेनी है? हाँ कोई वजनी वाली चप्पल देख रही हूँ. वजनी चप्पल पहन लोगी? पता नहीं है पर अगला बंदा बर्दाश्त कर लेगा मुझे लगता है. कौन सा बंदा?
बस है कोई आसपास है मेरे। आसपास कौन है? खाली जगह ढूंढ रही हूँ, मौका मिलेगा तो टपैक उसको जो आग लगी हुई है ना उसकी खत्म करती हूँ आज। क्यों आग लगी हुई है वैसे? वो कोई बंदा है पता नहीं, ना समझ। छोड़ो तुम बंदे को यार, तुम अपनी चप्पल खरीदो। ना समझ, ये अच्छी है? नहीं ये हल्की है, लगेगी नहीं ज्यादा। भारी चप्पल वैसे सियाने लोग नहीं पहनते यार। कोई मसला नहीं, कहीं और चलते हैं, हील वाली चाहिए आज मुझे। हील वाली? ठीक है। ये दोनों आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं, कोई मेरी शिकायत लगाने तो नहीं ये लड़की आ गई? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी शामत आने वाली है। बहन मैंने क्या किया है? तो आप लोग क्या गुफ्तगु कर रहे हैं? बस खतरनाक गुफ्तगु है, बहन ने कहा कि इसको नहीं बतानी। नहीं बतानी, चलो घर जाके बताऊंगी तुम्हें। मेरी ने तो भाईजान आज कोई शॉपिंग नहीं की, इसका मूड खराब चल रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो लिया क्यों नहीं है तुमने? कुछ गाड़ी भी खोलता हूँ जनाब, कुछ भी नहीं खरीदा इसने। मुझे लगता है आज मौसम बहुत गर्म है ना, तो इसीलिए मेरी बेगम का मूड भी बहुत गर्म है। सेल्फी ले लेनी थी और लड़कियों के साथ। यार वो फैन है मेरी, सेल्फी तो लेनी थी ना मैंने। ऐसे ही है। थैंक यू। ये लो बेगम, कौन खाओ ताकि तुम्हारा मूड ठंडा हो। मूड मेरा कुछ भी ठंडा नहीं, गर्म ही रहेगा। क्या हो गया? थैंक यू। ये लो बेगम ये जूस पियो, अब तो ठंडा होगा ना तुम्हारा दिमाग। क्या हुआ है, गिर रहा है? नहीं बच गया, शुक्र। डरा दिया था। तो अभी हॉस्पिटल में पहुंचा हूं और कॉल। मैडम हेलो, कहाँ जा रही हो? यार वो नर्स को बुलाने जा रही हूँ। क्यों? काम है, वो आपको ड्रिप लगानी है। वो कौन सी नर्स? वो कल जो आई थी। कल वाली? हाँ। मैं बुला के लाता हूँ। क्या हुआ? जाना तो मैं बुला के लाता, मैं बुला के लाता हूँ ना, तुम रूम में जाओ। मैं बुला रही हूँ ना। क्या हो गया? मैं बुला के लिया तुम। बर्दाश्त से बाहर हो रहा सब कुछ। क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा है? ये हरकतें नहीं अच्छी। तुम चलो मैं बुला के लाता हूँ। उसी के पास रहना। क्या हो गया? ये तो लगता है करगी ये गुस्सा। आप तब तक कर ले हमारा चैनल सब्सक्राइब।